दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. वी विल कंटिन्यू विद द वीडियो. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज आप में सब जान रहे होंगे, जो लंबी आकार की तितली होती है जिसके साथ बहुत सारे बच्चे लोग बचपन में खेला करते हैं, है ना, उसके पूंछ में रस्सी बांध करके उड़ाया करते हैं. तो वो सारे जो तितलियां हैं ग्रुप में ड्रैगन फ्लाइज, वो उड़ रही है, हलचल कर रही है, और किसके सहारे, विद ए गॉडी पर्पल विंग्स, उसके पास जो भड़कीला पर्पल विंग्स है इसके सहारे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. और वो सारे मिलकर के क्या किए हैं, एक अकेला बी जो है, बटरफ्लाई जो है, लोन ब्लैक बी तितली जो है, उसके रास्ते को रोक करके, उसको इंटरसेप्ट करके, उसको क्या किया है कि वो लोग हलचल कर रहा है. और जो बटरफ्लाई है वो कहाँ जा रहा था, इन सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, वो फ्लावर में जा करके जो उसमें मिठास होता है उसको लेने के लिए जा रहा था, तो उसके रास्ते को ये लोग इंटरसेप्ट किया हुआ है. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ गेज. बच्चा जो है इन सारे को फॉलो करता है ध्यान से देख करके कि वो कहाँ जा रहे हैं वो सारी तितलियाँ, और उसको पकड़ने की कोशिश करता है. टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ई वुड ट्राई टू कैच इट. उनमें से एक जो है वो बैठ जाते रेस्ट करने के लिए, और ये बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है. बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर. लेकिन वो क्या होता है कि वो पकड़ने नहीं देती है वो तितलियाँ, वो फड़फड़ाते हुए अपने विंग्स को मारते हुए उड़ जाती है, फ्लटर करती है. When he had almost caught in his hands, मतलब लगभग वो पकड़ ही लिया था लेकिन वो कम्प्लीटली वो पकड़ नहीं पाया था, एकदम बहुत करीब था, उसी समय वो उड़ जाती है. Then his mother gave a cautionary call, और तब उसकी माँ बुलाती है उसको, come child, come on the footpath, आओ बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. यहाँ पे एक वर्ड आया गेली. गेली का मतलब होता है खुशी से, और एब्रेस्ट का मतलब साथ साथ. तो बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी से गया कुछ समय तक, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्द ही वो फिर पीछे छूट गया. और क्यों इस बार पीछे छूट गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ. फुटपाथ में जो जा रहा था बहुत सारे उसको इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े वहाँ पे वॉर्म्स दिखाई दिए, और उसको देख करके वो फिर से पीछे छूट गया. दैट वर टेमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनसेट. वो सारे जो वॉर्म्स और जो इंसेक्ट्स थे वो अपने प्लेस से निकल रहे थे सनशाइन का एंजॉय, सनशाइन को लेने के लिए ना, धूप की रोशनी को लेने के लिए. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सीड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल. अब उसके माता पिता एक ग्रोव में चले जाते हैं, रास्ते में ग्रोव मिलता है उनको. ग्रोव का मतलब बागीचा, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, छायादार होता है वृक्ष, वहाँ बैठे हुए थे. और कहाँ बैठे हुए थे, उस ग्रोव उसमें एक कुआं था, कुएं के एज पे वो लोग किनारे में बैठे हुए थे, और वहाँ से वो लोग बुलाते हैं बच्चे को, कम चाइल्ड कम. ही रैन टुवर्ड्स देम, बच्चा उनकी तरफ दौड़ करके जाता है. अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव. जैसे बच्चा उस ग्रोव में इंटर करता है, प्रवेश करता है, उसके ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स छोटे छोटे जो होते हैं उसके ऊपर से गिरने लगते हैं, मतलब उसके सर पे गिरने लगते हैं. ऐसा मानो कि उसको स्वागत कर रहा है फूलों से. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और ऐसा होने के बाद वो क्या होता है, तो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है. ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स ऑन हिज हैंड्स. पीटल्स और सीपल्स, ये आप वर्ड जानते हैं, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो
वो क्या करता है, सब कुछ भूल करके जो उसके ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी उसको वो कलेक्ट करना चालू करता है, उसको जमा करने लगता है अपने हाथों में। बट लू ही हर्ड द क्वीन ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन उसके तुरंत बाद एक साउंड सुनाई देता है। किस चीज़ का साउंड है भाई वो? डोव्स। डोव्स का मतलब होता है काइंड ऑफ पिजन, एक तरह का कबूतर की भांति वो पक्षी होता है। तो लू साउंड वहां पे आता है, क्विंग ऑफ डोव्स, द डोव द डोव। और वो चिल्लाते हुए भागता है अपने पेरेंट्स की तरफ। डोव डोव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और इस क्रम में जो अपने हाथों में वो जो फूल कलेक्ट किया हुआ था पीटल्स, वो सारे गिर जाते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है, और वो भाग करके अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्रैपर्स राउंड द बनियन ट्री। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से वो पीछे छूट जाता है, तो फिर से उनको बुलाते हैं। अब वो बच्चा कहाँ है? हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्रैपर्स राउंड। अब ये बनियान ट्री आप जानते हैं, बरगद का पेड़। अब उसके चारों ओर वो क्या कर रहा है बच्चा? उछल उछल करके राउंड लगा रहा है ना, उछल कूद के मस्ती में। एंड गैदरिंग हिम अप टू टू द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब ये लोग लगभग लगभग मस्टर्ड फील्ड से बाहर उस रास्ते को पकड़ने वाले जहां से मेला प्रारंभ होता है ना। वाइंडिंग फुटपाथ का मतलब होता है घुमावदार रास्ता, है ना, घुमावदार रास्ता से वो लोग गुजर करके मस्टर्ड फील्ड से निकल करके वो कहाँ पहुंच रहे हैं? जो रास्ते उनको मेले की तरफ ले जाता है। नाउ एज दे नियरली नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स का मतलब यहाँ पे क्राउड, भीड़। एज दे नियर द विलेज, वो गांव के नजदीक पहुंच चुके हैं। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स। अब वहां पे उसको बहुत सारे फुटपाथ्स नजर आ रहे हैं, रास्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो सारे रास्ते में भीड़ है। कन्वर्जिंग टू द वेलपुल ऑफ द फेयर एंड फील्ड एट वंस रिपील्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब एक बड़ा अच्छा वर्ड, कन्वर्जिंग टू द वेलपुल ऑफ द फेयर, मतलब ऐसा होता है कि सारे रास्ते से लोग आ रहे हैं, लेकिन सारे रास्ते से जो चार पांच छह जितने भी रास्ते से लोग आ रहे हैं, वो सारे लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो एक तरफ है, फेयर। मतलब पांच छह रास्ते अलग अलग से आ रहे हैं, लेकिन वो अंतिम में एक ही रास्ते से होकर के मेला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मतलब विभिन्न विभिन्न जगहों से आ रहे हैं और एक तरफ जाना, मतलब एक ही तरफ का सभी लोगों का जाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वो बच्चा जो है फैसिनेट हो जाता है। कैसे होता है फैसिनेट? बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। अब वहां पर उसको क्राउड दिख रहा है, साउंड सुनाई दे रही है, विभिन्न प्रकार की चीजें वहां पर उसको दिखाई दे रही है, और ये सब चार चीजों को देख करके वो कन्फ्यूज हो जा रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। अब एक स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला, वो चिल्ला रहा है वहां पे, आवाज लगा रहा है, हॉक कर रहा है, गुलाब जामुन रसगुल्ला जो भी उसके पास मिठाई है उसका वो जोर जोर से चिल्ला करके आवाज लगा रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही प्रवेश का द्वार है उसी के कॉर्नर पे, अ क्राउड प्रिसेड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्स कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब उसके दुकान के चारों बगल उसके काउंटर पे भीड़ लगी हुई है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर स्वीट्स, विभिन्न आकृतियों के विभिन्न रंगों के उसके पास मिठाइयाँ हैं और डेकोरेट किए गए हैं सिल्वर और गोल्ड लिप्स से, है ना। अब मिठाई देखते हैं सिल्वर और गोल्ड के, उसमें लिप्स कोटेड किया जाता है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब बच्चा देखता है बहुत सारी मिठाई को पूरा, लेकिन बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फी उसका फेवरेट मिठाई था। ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू ही बेक्ड दैट हिज
plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब वो बर्फी को मुंह में, बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी आता है, तो बोलता है वांट बर्फी, धीरे से आवाज लगाता है। और वो जानता था इसलिए धीरे से आवाज लगाया, क्या जानता था कि फिर से वो कुछ डिमांड करेगा, उसका डिमांड फुलफिल नहीं होगा। और वो खुद बोलता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ही वाज ग्रीडी, कि मैं लालची हूँ। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए बिना कुछ आंसर मिले वो क्या करता है, वहां से आगे बढ़ जाता है। नाउ अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फ्लावर सेलर जो था वो गुलमोहर के माले बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली डाउन द वेंट ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। बच्चा जो था, यहाँ पे एक वर्ड आया है इररेसिस्टिबली, मतलब लुभावने तरीके से। बच्चा को मतलब लग रहा था कि वो माला मिल जाता मुझे, उसको लेने की इच्छा हो रही थी। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहाँ पे फूलों के बहुत सारे थक्के लगे हुए थे, ऊंचाई में था फूल, वहाँ पे रखा हुआ। एंड हाफ मर्मर्ड, और वो हल्की सी आवाज में मर्मर्ड किया, मतलब मन ही मन कुछ बोला, आई वॉन्ट दैट गार्डनर, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था कि इसमें भी उसके माता पिता उसको मना कर देंगे और क्या बोलेंगे कि ये बेकार है, ये सब चीज़ नहीं लेना है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, यहाँ भी वो वही किया, बिना कोई आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। आगे अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी जो था एक पोल खंबा, एक लकड़ी का खंबा लिए खड़ा है और उसमें येलो रेड ग्रीन और पर्पल्स कलर के बलून उड़ रहे हैं उससे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवर इन डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब ये बच्चा उसके कलर्स को देख करके उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यहाँ पे एक वर्ड है ओवरवेलिंग डिजायर, इसका मतलब हुआ कि अधिक भावनात्मक या अधिक भावनात्मक रूप से इच्छा जताना किसी भी चीज को लेने का। तो वो बलून लेने के लिए ऐसा किया, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय देम बाय हिम बलून्स। लेकिन वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसके पेरेंट्स बलून भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम ही जब वो खिलौने का डिमांड किया था तो उसके पेरेंट्स उसको मना कर दिए थे, उसके फादर उसको बहुत बुरे तरीके से देखे थे और उसको शायद डर हो गया था बच्चे को, इसलिए वो खुल के बोल नहीं पा रहा था। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। और यहाँ बच्चा बोलता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, खुद ही खुद बना करके इमेजिन करता है कि पेरेंट्स को अगर हम बलून लेने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं हो कि तुम ये खिलौने और ये बलून के साथ खेलोगे। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ये चैप्टर्स अभी कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक ये दो वीडियो आपके सामने है, आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी को शेयर कर सकते हैं। इसमें जो भी वर्ड्स आए हैं आप वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, मैं जब चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं आप तक नोट्स पहुँचा दूँगा और उसको आप लिख लेंगे और उसको आप नोट्स कॉपी में ही लिखेंगे। Thank you.